इसके साथ साथ गैर प्राप्त जो जो डायरी के लिए जो हम लोगों का जो कमीशन काटा जा रहा है इसको भी हटाया जाए। अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो फिर आप अगर हमारी मांगे को नहीं माना गया तो आज तो हम काम से हटे हैं और हमने जो कि आज इसके बाद हम जो कि अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए जो हमारा नेतृत्व तो जो है निर्णय लेगा उसको हम करने के लिए बाध्य होंगे। कितने दिन से धरना पर बैठे हैं? धरना जो है कि आज ये आज पहला है एक दिवसीय धरना है। ये धरना चल रहा है जो सारनाथ आज नो बीओसी भी है। आज नया काम एकदम हम अभिकर्ता साथी एकदम नहीं कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो नेतृत्व है वो यथा शीघ्र ही इस पर ही ध्यान ले लेगा। अगर यह ध्यान नहीं देता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य होंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांगे
विजय बहादुर यादव है, आज हम जो है लियाफी के मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आज यहाँ पे किस तरह का धरना आज जो धरना रखा गया है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो चेयरमैन साहब हैं, ये जो है कि पगला गए हैं। पगला इसलिए गए हैं कि इनको जो है अभिकर्ता जो गांव-गांव चल करके जो है और गांव गली घूम घूम करके बीमा को लाता है, और उसी के बदौलत, अभिकर्ता के बदौलत और पॉलिसी धारक के बदौलत जो है ये संस्थान चल रहा है, जो कि देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संस्थान है। और इस संस्थान को चलाने वाला, इसके लिए जरने मरने वाला अभिकर्ताओं के साथ जो इनकी रवैया है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के नेतृत्व का जो रवैया है, ये ठीक नहीं है। चाहे इनका जो है रवैया, जो बीमा धारक हैं उनके बोनस का मामला हो, चाहे हमारे जो अभिकर्ता हैं उनके ग्रुप इंश्योरेंस का बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे कई सूत्री मांगे हैं आपकी, 13 सूत्री मांगे हैं हमारी, क्या क्या मांगे रखे हैं आपने? हमारी मांगे जो है वो बीमा में जो GST लगा है बीमा धारकों से, उसको हटाने की बात है। बीमा पॉलिसी पर जो है बोनस वृद्धि हो, समूह बीमा संवर्धन किया जाए, और ग्रुप इंश्योरेंस का के संदर्भ में है, क्लब सदस्यों के परिवार को भी इसमें मेडिकल में जोड़ा जाए, गैर क्लब में जो सदस्य हैं उनको भी जो है मेडिकल में जोड़ा जाए। मेडिकल एवं ग्रुप इंश्योरेंस दोनों के लिए जो है हम जो है आजीवन जो है दिया जाए, और बढ़ी हुई कमीशन जो दरे निर्णय लिया गया है उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। इसके साथ साथ CLIA को प्रशिक्षण और भत्ता और ये इसके की प्रक्रिया जो की यथाशीघ्र किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने